आपको बताएं, कराची के इलाके क्लिफ्टन में पीटीआई कारकुनान और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई हैं और पुलिस ने रैली में शिरकत के लिए आने वाले कारकुनान को मुंतशिर कर दिया है। पुलिस ने पीटीआई के मुतादित कारकुनान को हिरासत में भी ले लिया। जीशान चाले में जॉइन किया है। जीशान, वहां क्या सूरत हाल है अभी? जी देखिए, बिल्कुल अब से कुछ देर कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो रैली निकालने के लिए पहुंचे थे, वहां पुलिस की जानिब से मजाहमत की गई, जहां में इस दौरान पुलिस और कारकुनान के दरमियान शदीद झड़प हुई, जिसके बाद में पुलिस ने शैलिंग की। उसके बाद शैलिंग अभी भी शुरू हो गई है, जबकि कारकुनान की जानिब से पथराव पुलिस से किया जा रहा है। पथराव के नतीजे में SHO बोर्ड पेशेंट रियाज न्याजी शदीद जख्मी हुए और उनको बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस की जानिब से शैलिंग की जा रही है, जबकि लाठीचार्ज की वक्तन परवक्तन किया जा रहा है, जबकि कारकुनान की बड़ी तादाद जिस वक्त तीन दरवाजे पर मौजूद है, वक्तन फवक्तन वो आते हैं, पुलिस के ऊपर पथराव होता है और अपनी झड़पें अभी भी जारी हैं। जी, कराची का इलाका है, हमारे साथ ही रही है जीशान। कराची के इलाके क्लिफ्टन में पीटीआई कारकुनों और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई हैं और जीशान आंखों देखा हाल हमें बता रहे हैं। पुलिस ने शेलिंग भी वहां शुरू कर दी है, पथराव किया जा रहा है कारकुनों की तरफ से और पथराव के नतीजे में SHO भी जख्मी हुए हैं, लाठी चार्ज भी किया जा रहा है। ये मनाजिर आप देख रहे हैं कराची के इलाके क्लिफ्टन के, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स रैली निकालने के लिए सड़क पर जमा हुए थे और उसके बाद ये सूरत हाल बनी कि एक टकराव हुआ पुलिस और पीटीआई कारकुनान के दरमियान और उसके बाद पुलिस ने शेलिंग भी शुरू कर दी है, लाठीचार्ज भी किया जा रहा है कारकुनों की तरफ से, पीटीआई के कारकुनों की तरफ से पथराव किया जा रहा है, जिसके नतीजे में SHO जख्मी हो गए हैं।